हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक मल्टीबैगर मिड कैप स्टॉक के बारे में, जो कि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई उनके रिलेटेड उनके बिजनेस मॉडल है। दोस्तों, कौन सी स्टॉक के बारे में बात करें, ऑलरेडी बहुत बार मैं स्टॉक को कवर कर चुका हूँ। अगर ये स्टॉक अगर आप लोगों के पास है, फाइनली इसके Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते रिजल्ट को, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने अभी तक फ्रेज बाई नहीं किया, क्या उनको फ्रेज बाइंग करना चाहिए इस लेवल पे इस रिजल्ट के साथ, और साथ ही साथ इन स्टॉक का टारगेट क्या रह सकते हैं लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम, और साथ ही साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर कर चुके हैं, कितने रुपए का डिविडेंड है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चले दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते चलते हैं हम उन रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों, आ चुके हैं उस रिजल्ट के ऊपर। कंपनी का नाम है एंजल ऑन लिमिटेड, इनके बिजनेस मॉडल तो आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले हम देख लेते कंपनी के टोटल इनकम। तो टोटल इनकम हम देख पा रहे, उम्मीद करते तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही है। तो ये हमारे पिछले साल के क्वार्टर के, ये दोस्तों हमारे 3 महीने पहले क्वार्टर के, और ये हमारे इस क्वार्टर के, तो सीक्वेंस एकदम ओके ओके। तो देख लेते हम कंपनी के टोटल इनकम। तो टोटल इनकम है दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4200, हम रफली देखेंगे 4200 का हो चुका है दोस्तों 6850, बहुत ही शानदार जंप है, मैसिव जंप है, लगभग 50% की जंप है ईयरली बेसिस पे इनकम में, और क्वार्टरली बेसिस पे 6000 का हो चुका है 6850, मतलब क्वार्टरली बेसिस भी अच्छे खासे जंप है। अब चलते हम कंपनी के टोटल एक्सपेंस के ऊपर। दोस्तों, हम आ चुके कंपनी के टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस आप देख पा रहे होंगे, एक साल पहले थे कंपनी की जो एक्सपेंस थे दोस्तों, वो है दोस्तों एक साल पहले थे 400 के दोस्तों खर्चे हो चुके 700। तो जिस हिसाब से कंपनी के हमें इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उसी हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए। और क्वार्टरली बेसिस पे 560 का खर्चे हो चुके दोस्तों 700, क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में जंप है इनकम में और एक्सपेंस में। उसके बाद आता है डिफर्ड टैक्स और करंट टैक्स, दोनों टैक्स कट होने के बाद जो हमारे हाथ में आता है प्योर प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट। तो हम चलते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट है दोस्तों एक साल पहले थे 1000 का प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों 2000 से भी ऊपर, मतलब 100% की जंप है, और क्वार्टरली बेसिस पे 1640 का हो चुका है 2040, मतलब क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस पे बहुत ही अच्छे खासे जंप। इसी हिसाब से कंपनी के जो ईपीएस रहेगा वो भी आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार जंप है दोस्तों, 12.46 का हो चुका है ईपीएस, 24.72, बहुत शानदार जंप है, और क्वार्टरली बेसिस पे 20 का हो चुका है 24.72, मतलब बहुत ही मल्टीप्लाई, मतलब कमाल के रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर, इसका टारगेट क्या रह सकता है, और फ्रेश बायर को, जो लोग बाय करने चाहते हैं फ्रेश बायर को, उनको क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर। उससे पहले और एक डेटा रहेगा दोस्तों, जो पर्टिकुलर बिजनेस होता है, आप देख पा रहे हैं पर्टिकुलर बिजनेस में भी अच्छे खासे हमें जंप देखने को मिल रहा है, हर चीज़ में हमें एक अच्छे खासे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो रिजल्ट बहुत ही शानदार है। अब चलते हैं स्टॉक के प्राइस के ऊपर। आजकल आप देख पा रहे हो, लग रहे थे कंपनी को, मतलब मार्केट को, कि स्टॉक में जो कंपनी के रिजल्ट है वो फ्लैट आ सकता है, तो इसी वजह से पहले से स्टॉक में हमें 4-5% की गिरावट देखने को मिला, जो कि नॉर्मल गिरावट होता है स्टॉक इतने रिटर्न देने के बाद, और एक साल बाद दोस्तों कमाल के रिटर्न मिल चुके। अभी भी स्टॉक जो है एकदम अपने टॉप लेवल पे 350% के आसपास के रिटर्न मिल रहा है दोस्तों, कमाल के रिटर्न है ये, और मैक्सिमम रिटर्न भी आप देख पा रहे हो 2020 मिले से रफली 1.5 साल हुए, 1.5 साल में स्टॉक ने 500% रिटर्न दे चुका है। अब आ जाता है फ्रेश बाइंग के ऊपर। दोस्तों, फ्रेश बाइंग के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, रिजल्ट बहुत शानदार अगर आप जाना चाहते हो, लेकिन स्टॉक ने बहुत कमाल रिटर्न दे चुका है एक साल में 400%। तो अगर आपको 100 स्टॉक लेना है, फिर भी आप एक बार स्टडी जरूर करें ना, मेरे स्टडी बहुत ही कमाल के रिजल्ट आ चुके हैं। अगर आपको जाना ही है, तो अगर आपको 100 स्टॉक लेना है तो आप अभी 30 ले सकते हो, और जैसे रिजल्ट अच्छा आया, फिर और हो सकता है कि रिजल्ट हमें तो अच्छे लगे, बाजार को अच्छे नहीं ले सकते, जो बड़े इन्वेस्टर है जिनके पास इनके स्टॉक है उनको अच्छे नहीं ले सकते, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते, तो स्टॉक थोड़ा सा गिरावट हो सकता है, तब आप और खरीद सकते हो, एक बार में लमसम और नहीं डालना। अगर आपको 10 स्टॉक भी लेना है, 3 स्टॉक ले और बाकी स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए, वो बेस्ट है। और जिनके पास ऑलरेडी है दोस्तों कमाल की स्टॉक है, आपको बिंदास लॉन्ग टाइम के लिए आपको बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। अभी इस बार तो नहीं दोस्तों, और इस बार डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके, आपको 2 रुपये, मतलब 2.5 रुपये के डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन इस बार तो नहीं, जो फर्स्ट क्वार्टर आएंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आएगा उसमें हो सकता है स्प्लिट या बोनस जैसे एक्टिविटी दे सकते हैं, फेस वैल्यू 10। तो इतना कर चुका कमाल के रिजल्ट है एंजल ऑन लिमिटेड के, आप बिंदास कंटिन्यू कर सकते हो, बिंदास है दोस्तों, कमाल के रिजल्ट आ चुके, कोई मतलब कल अगर गिरावट भी हो जाए आप चाहो तो उसका फायदा उठा सकते हो, लॉन्ग टाइम आपको कमाल के रिटर्न देगा। इससे पहले भी बहुत बार गिरावट, इससे पहले भी जब ये स्टॉक रिजल्ट आने के बाद जब 1250 पे आ गया था, तब मैंने वीडियो बनाकर बताया था बिंदास आपको कंटिन्यू करना, एक भी शेयर गलती से नहीं बेचना है, स्टॉक का टारगेट 1700 से 1800 और 1800 पर टच कर चुका था। मैं इतना कहना चाहूँगा कमाल के रिजल्ट आ चुका, कल क्या होगा परसों क्या होगा उसका मतलब नहीं, आपको कुछ ही दिनों में रिटर्न कमाल के देगा। दोस्तों, वीडियो देते हैं, फिर भी अगर आपको डाउट है इस स्टॉक को लेकर प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।